नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि जो हरियाणा है यानी हरियाणा एचएसएससी, उसका बहुत सारा जो केस था वो कोर्ट में पेंडिंग था, जिसमें एक तो टीजीटी का मुद्दा, जिसमें पांच नंबर को लेके स्टे जारी हो चुका था टीजीटी वाला। एक मुद्दा था ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के पेपर को लेके था, और एक मुद्दा था कि ग्रुप डी में से 5 नंबर जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो जुड़ने हैं या नहीं जुड़ने हैं। तो मुद्दा बहुत सारे थे जो कोर्ट में लंबित थे, और उसको लेके आज एक फैसला आ चुका है। जो सबसे बड़ा फैसला आया है, मैं आपको बता दूं, उसमें एक तो 56 ग्रुप 56 के लिए, एक तो ग्रुप 56 के लिए फैसला आया है, और एक तो 57 के लिए फैसला आया है। अब जैसे मैं 56 के लिए अगर मैं थोड़े से कुछ पोस्ट की बात करूं, तो लगभग 6000 प्लस पोस्ट 56 में थे, जिसमें आपको याद दिला दूं कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, इस तरह के पेपर जो थे वो 56 के अंदर थे। और जैसे मैं 57 कहूं तो लगभग 5500 के आसपास, 5700 के आसपास भर्तियां थी 57 में, जिसमें आपका महिला को लेकर महिला डिपार्टमेंट के कुछ पोस्ट थे, जैसे स्टोर कीपर था, लाइब्रेरियन था, बहुत सारे पोस्ट इसके अंदर थे, बहुत सारे पोस्ट। आज की तारीख में अगर आज के कोर्ट फैसले के अनुसार कहें तो ये भर्ती, एक दो बातें होती हैं, एक तो होता है कि भर्ती ही पूरी खत्म हो गई, और एक होता है कि जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया है पिछला, नए सिरे से, यानी मैं कह रहा हूं नए सिरे से नए पेपर होंगे भाई, और आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर ये पेपर करा लिए जाएंगे। उम्मीद है अगर अपने बातों पर एचएसएससी टिके तो 5-6 महीने में पेपर करा लेगा, ये पूरी पूरी हमको उम्मीद है, क्योंकि नए अब अध्यक्ष भी बन गए हैं, चेयरपर्सन भी, अगर ये काम करते हैं तो भाई साहब हम लोगों की बड़ी जीत होगी, पूरा जो स्टूडेंट क्राउड है उसकी जीत होगी अगर वो टाइम से पेपर करा लेते हैं तो। अब रही बात टीजीटी को लेके, तो टीजीटी में आपको पता है 5 नंबर को लेके मुद्दा था, स्टे था, आज वो 5 नंबर ही हट गया है, तो जाहिर सी बात है कि टीजीटी भी अब स्टे से मुक्त हो गया है, रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आपको मैं बताऊं, इस टाइम तो आचार संहिता चल रहा है, 4-3 तारीख की रात में वो भी खत्म हो जाएगा, तो आज 31 खत्म हो ही लिया, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 3 दिन रह गए हैं, इतना दिन आपने सब्र रखा है तो 3 दिन और रख लो मेरे लाल, और जल्दी ही आपको 4 तारीख के बाद से कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। और जो सबसे मजेदार मुद्दा वो है ग्रुप डी, और ग्रुप डी में याद रखो, याद करो, एक दिन 5 नंबर जोड़ के एक रिजल्ट आया था और एक बिना 5 नंबर जोड़ के रिजल्ट आया था। कुछ बच्चों के 5 नंबर वाले में तो थे नाम, लेकिन उस पर रोक था कि फैसला कैसा आएगा, और कुछ के 5 नंबर जोड़ के नहीं थे, उनमें नाम था। आज याद रखना, 5 नंबर का मुद्दा जज साहब ने इनवैलिड बता दिया है, यानी अब 5 नंबर हटा के रिजल्ट निकलेगा जो ऑलरेडी एचएसएससी के पास है, क्योंकि उसी ने तो 2 रिजल्ट जारी किए थे। तो ये डिपार्टमेंट का काम है कि कितना जल्दी वो अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाता है। उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आने के बाद, यानी 4 जून को हमारे जो लोकसभा का रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो 4 तारीख के बाद से कभी भी ये फैसला आ जाएगा कि आपको ये देखने को मिलेगा कि नई लिस्ट जारी कर दी गई है एचएसएससी को लेके। तो इस तरह के एक ऐतिहासिक फैसले होकर आए हैं, उम्मीद होगा कि आप लोग इस फैसले के साथ रहेंगे, और आप लोग बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस सिलेक्शन से बाधित भी होंगे, तो घबराना नहीं है, आगे की तैयारी कीजिए। 56 और 57 ग्रुप वाले आज से ही शुरुआत कर लो तैयारी के, आने वाले कुछ समयों में आपके पेपर देखने को मिलेंगे। तो दीजिए हमें इजाजत और तैयारी शुरुआत कर दीजिए तैयारी की। नमस्कार दोस्तों।